तो आज हम बताने वाले हैं कि टाटा पंच में जो है वो कौन कौन से, किसी को नहीं पता होगा और अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो सब क्या क्या है। ठीक है, तो फ्रंट से स्टार्ट करते हैं जैसे हरदम की तरह, तो देख लेते हैं। देखिए, चलो देखो, पहला जो यहाँ पे एक तो आपको देखने के लिए मिलेगा, इसका पहला चेंज वो आप देखो इस तरह से, नीचे की साइड में आप देख सकते हो कि ये फाइबर का है। ठीक है, जिसके कारण होता है क्या कि अगर बम्पर वगैरह में लग जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है और इसे पोंछना भी काफ़ी आसान रहता है, और फिर ब्लैक पेंट कर दोगे तो आपका ये निकल जाएगा इजीली। ठीक है, ये पहला चीज़ मैंने गिनवा दिया आपको कि देखो ये फाइबर का है। और दूसरा चीज़ आप देखो यहाँ से कि आप देख सकते हो मिरर, देखो मिरर दो कलर का है। ठीक है, ये देखो ये वाला जो आप देख सकते हो टू कलर का है। ठीक है, तो ये तो सभी को दिखता होगा, अंदर की साइड में देख लो ये पूरा ब्लैक है। ठीक है, एक चेंज मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये डोर हैंडल है, इस डोर हैंडल के अंदर देखना, ये मैं कैसे फोकस कर रहा हूँ वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, नीचे से दिखाओ या ऊपर से दिखाओ, यहाँ पे देखो अंदर के साइड में काला है। ठीक है, ये ऊपर से तो जब आप देखोगे तो ये ब्लू है। ठीक है, लेकिन जब आप इसे अंदर से देखोगे तो देखो ये ब्लैक कलर का है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये ब्लैक है और काफ़ी एक सॉफ्ट सा अच्छा सा फील होता है। चौथा देखो यहाँ, ये लाइट आप देख सकते हो बैक लाइट, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं देखने के लिए मिलता है, देखो यहाँ पे बल्ब कोई सा भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बल्ब नहीं है, बैक लाइट जब आप रिवर्स करोगे तो उसका देखो लाइट यहाँ पे दिया है। फ़ायदा क्या है, जब आप बैक करोगे ना इस कैमरे से तो यहाँ लाइट ये पूरा जो है इसमें फैला देता है, देखने में विजिबिलिटी काफ़ी अच्छा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो ट्रायरो पैटर्न के साथ ये आता है, देखो इस तरह से ये पूरा LED जैसा इस तरह से जलता है रात में, काफ़ी अच्छा भी लगता है। ठीक है, ये हो गया और ये काफ़ी अच्छा भी लगता है। नेक्स्ट देखो ये वाला चीज़ देख सकते हो, ये जो चीज़ आप देख सकते हो नॉर्मल गाड़ी में, मैं अभी आपको दिखाता हूँ दूसरे वाले गाड़ी में मेरा, देखो इस तरह से कैसे है ये, देखो ये डोर आया है, ये इस तरह से पूरा मतलब एक बॉडी है, तब ये मिरर है, लेकिन इसमें देखो कितना चेंज है, इसमें देखो डायरेक्ट मिरर दे दिया गया है। लुक तो इन्हेंस होता ही है, साथ ही साथ काफ़ी अच्छा भी लगता है देखने में और काफ़ी प्रीमियम सा लगता है, जब आप पीछे से देखोगे ना काफ़ी फ्यूचरिस्टिक आपको फील देगा ये, तो ये बात मुझे काफ़ी अच्छा लगा। नेक्स्ट यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ पे दिया हुआ है कुछ स्पेस यहाँ पे एरोडायनामिक के लिए। ठीक है, क्योंकि ये हाईवे कार है तो ये सब तो देना ज़रूरी है। ठीक है, ये फ्रंट साइड में भी है, ये देखो यहाँ से भी ये इस साइड जाता है, फेक नहीं है ये, रियल है, इसमें एयर जाता है। ये देखो। ठीक है, चलो और दिखा देते हैं आपको। नेक्स्ट देखो यहाँ पे वाशर देखो कहाँ पे है, ये बोनट के अंदर दिया गया कुछ अलग तरीक़ा से, ये देखो। ठीक है, उस साइड भी ये सेम है, तो ये देखो ये इस तरह से इसलिए दिया गया कि पानी में चूँकि बोनट काफ़ी बड़ा है लेकिन यहाँ दे सकते थे, लेकिन ये अंदर की साइड में दिया है, देखो उस साइड में भी है और इस साइड में अंदर की तरफ से दिया हुआ है। तो ये कुछ फीचर्स थे, आप देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो यहाँ से, ये कुछ अलग है सब गाड़ियों में से इसमें, इसलिए ये मैंने चूज़ किया ये गाड़ी को, काफ़ी फीचरिस्टिक और काफ़ी अच्छा फील लगता है। तो इतना ही था इस वाले वीडियो में, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर सकते, सब जरूर कर देना, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, और सब्सक्राइब किया करो, सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग, बाय।